इसी यही सोच के ली थी कि क्या कहते हैं गेट वगैरह देके गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे तब सोचा कि नंबर तो आएंगे नहीं गेट में, तो क्या ही गेट देना है। तो फिर सोचा कि मतलब कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही कुछ ना कुछ जॉब करेंगे। ऑफ कैंपस मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, लेकिन टेस्ट लिंक जो है सिर्फ अमेजोन का और माइक्रोसॉफ्ट का आया दोबारा, और उन्हीं के टेस्ट दिए। Hi everyone, this is Ankush and welcome to Coding Ninjas. So in today's story we have Karan with us. I think तुम लोग सब हमेशा बोलते रहते हो कि यार non-CS background के लोगों को लाओ, या फिर तुम लोग बोलते हो कि यार टीयर वन टीयर टू के बच्चों को मत लाओ या कम लाओ, राइट, टीयर थ्री स्टूडेंट्स को लाओ. सो नाउ वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, राइट. लाइक वी हैव करण विद अस. करण इज फ्रॉम ईसीई एंड ही इज फ्रॉम महाराजा सूरजमल, विच इज आई वुड से मोर लाइक अ टीयर टू स्लैश टीयर थ्री सॉर्ट ऑफ कॉलेज इन दिल्ली. एंड बहुत ज़्यादा आई थिंक ऑफ कैंपस बहुत अमेजिंग, ऑन कैंपस बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज तो नहीं आती हैं. सो आई थिंक अमेजिंग स्टोरी फॉर अस ऑल ऑफ अस टू लर्न एंड गेट टू नो कि यार कौन से कॉलेज में हो, कौन सी ब्रांच से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस चीज़ से पड़ता है कितनी मेहनत करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, राइट. सो करण, लाइक ऑल ऑफ यू, काफ़ी माई फीलिंग इज कि काफ़ी लॉस्ट था हमारा पूरा प्रोसेस इन कॉलेज, कि पहले क्या सीखें, फिर क्या करें, कहाँ पर मिल जाएगी जॉब, कहाँ नहीं होगी, राइट. एंड कैंपस से हमें डिसेंट जॉब मिली एंड देन बेसिकली आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन दैट कंपनी जो कैंपस से जॉब लगी, ही हैज़ स्विच्ड टू अमेजॉन. नाउ ही इज बेसिकली गोइंग टू बी वर्किंग एट अमेजॉन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट. सो हाई करण, वेलकम टू कोडिंग निंजास. हाय सर, वेरी इट इज़ वेरी गुड टू बी देयर। या ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लेजर इज ऑल माइन. सो करण, मुझे ये बताओ यार, तुम क्या सोच के गए थे हम कॉलेज में, मतलब लाइक क्या सोचा था कि हम ईसी ले रहे हैं, और यस क्या सोचा था कि ईसी में बहुत अमेजिंग जॉब्स होती हैं, या क्या करेंगे मतलब ईसी लेके इवेंचुअली क्या करना है. तो उस समय थॉट प्रोसेस ये थी कि इसी ले रहे हैं, गेट देंगे, गेट के स्कोर के बेसिस पे पीएसयू का इंटरव्यू वगैरह देंगे और एक गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। तो उस समय थॉट प्रोसेस थोड़ी ऐसी सी थी, तो अच्छा, इतनी उस क्लैरिटी थी क्या समय जिंदगी इसे ये में, सोच के ली थी। यस सर, इतनी क्लैरिटी थी जिंदगी में कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे और उसके लिए ईसी लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे, क्लैरिटी थी इतनी. हाँ मतलब इतना सोचा था और किसी से एडवाइस वगैरह भी ली थी, तो अच्छा, ऐसा सोचा था। हाँ फिर क्या तो हुआ ये सोच के. हम तो हमने बाय चॉइस ईसी ली थी या हमें कंप्यूटर साइंस मिल नहीं रहा था. नहीं मिल जाती अगर मैं स्पॉट राउंड तक जाता या आईटी मिल जाती, लेकिन अच्छा, इसी यही सोच के ली थी कि क्या कहते हैं गेट वगैरह देके गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। ओ माय गॉड, किसने एडवाइस किया था तुम्हें, चलो छोड़ो मत बताओ. ठीक है ठीक है. नहीं मतलब यार काफ़ी अच्छी, आई थिंक काफ़ी बहुत अच्छी एडवाइस तो नहीं थी, बट चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. सो ठीक है, फिर हम कॉलेज चले गए, फिर क्या कैसा रहा, कब कब डिसाइड किया कि नहीं यार ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, गेट नहीं देना है, कब कब डिसाइड किया जब इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे तब सोचा कि नंबर तो आएंगे नहीं गेट में, तो क्या ही गेट देना है। ठीक है, और अच्छा उस टाइम पे मतलब कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, तो देखा समझ भी आया, सब्जेक्ट समझ भी आए और ट्राई भी करा इम्प्लीमेंट करने का, और समझ भी आ रहा था और इम्प्लीमेंट भी हो पा रहे थे प्रोग्राम्स वगैरह। तो फिर सोचा कि मतलब कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही कुछ ना कुछ जॉब करेंगे और यहीं पे करियर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ नहीं आ रही है, तो गेट से जॉब क्या, गेट क्लियर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो दिया था हाँ हमने तो गेट. गेट का प्लान ड्रॉप कर दिया। नहीं नहीं दिया, मतलब फिर उसके बाद मैं मतलब इस कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही आगे ट्राई वगैरह कर रहा था और तो कोडिंग कब वगैरह सीख शुरू रहा था। किया हमने, तो 11th 12th में की थी हमने प्रोग्रामिंग, नहीं, 11th 12th में प्रोग्रामिंग नहीं करी थी उसमें। उस टाइम पे तो कुछ पहली मैंने बार कब फिजिकल करी थी. एजुकेशन ले रखी थी, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी। पहली बार मैंने कॉलेज में ही करी, सेकेंड सेमेस्टर में। उस टाइम पे इंट्रोडक्शन टू सी सी प्रोग्रामिंग था, राइट। तो तब मैंने सी सीखी थी कॉलेज में, सेकेंड अच्छा, सेमेस्टर में। हाँ, वो यूट्यूब से ओके. सीखी थी और जितना सेमेस्टर से रिलेटेड था उतना ही सीखा था और उतना ही इम्प्लीमेंट भी किया था। तो YouTube से हमने एक्स्ट्रा सीखा था या जो कॉलेज के लिए चाहिए था उतना सीखा था. मतलब जो प्लेलिस्ट थी सी की जो मैं फॉलो कर रहा था उसको कवर कर दिया था, और वो कॉलेज से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उससे कोई कंपनी क्रैक हो जाए या कुछ हम बड़ा अचीव कर सके। श्योर वो श्योर मोर मोर और लेस उतना ही था कि जितना सेमेस्टर में हेल्प कर दे। ओके ओके. फिर
फिर हमने बेसिकली चलो ठीक है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, इंट्रोडक्शन टू सी हमने कर लिया सेकंड सेमेस्टर में, फिर थर्ड सेमेस्टर में आई एम गेसिंग डेटा स्ट्रक्चर्स आ गया होगा। हाँ थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर आया था और वो भी अच्छा उतना ही सीखा है जितना मतलब लैब्स में इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी। स्टैक बना के देख लिया, लिंक लिस्ट बना के देख ली, उनके कोई टफ प्रोग्राम नहीं, बस बना के देख लिया कि बन जाता है एलिमेंट पॉप और पुश हो रहा है, इंसर्ट और डिलीट हो रहा है, तो उतना ही इम्प्लीमेंट किया और जितने लैब्स के प्रोग्राम होते हैं। तो वो अभी थर्ड सेमेस्टर में भी उतना ही चला गया, लेकिन ये था कि चीज़ समझ आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट थे तो वो समझ नहीं आ रहे थे। हाँ वो समझ ही नहीं आ रहे थे, तो ऐसी चीज़ थी। तो देखा कि मतलब कंप्यूटर साइंस समझ आ रही है तो सोचा इसी में ही आगे करियर का सोचते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर भी ऐसे ही खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या सोचा कैसे? फिर फोर्थ टू फिफ्थ सेमेस्टर ऐसे देखा कि मतलब लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड है, तो उस हिसाब से करते हैं। तो लिंक्डइन पे अकाउंट वगैरह बनाया, मतलब सेमिनार से बोलते थे लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो देखा सीनियर्स क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सीनियर थे जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग उस टाइम पे वो ही सब करते थे, तो उस टाइम पे उस चीज़ का क्रेज ज़रा था। तो मैंने देखा मतलब क्या चीज़ है, कौन सी लैंग्वेज से करना चाहिए, पाइथन और आर की रिकमेंडेशन आ रही थी। तो फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पाइथन सीखी, क्योंकि कॉलेज में सी सीखी थी तो पाइथन सीखी, वो भी ऑनलाइन सीखी। और उसके बाद पाइथन सीखने के बाद फिर मैंने डेटा साइंस का एक कोर्स लिया एक वेबसाइट से, और फिर मैंने फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर पाइथन प्लस डेटा साइंस पे ध्यान दिया, और मैंने एक साल वही किया। तो मैं कुछ क्या कहते हैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह नहीं कर रहा था, डेटा साइंस पे उस टाइम ध्यान था, तो फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर वही किया। तो मैं थोड़ा सा वही मतलब ना ये ना बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मतलब ऑनेस्टली राइट, लाइक हमने चलो ठीक है ईसी हमने गलत एडवाइस के साथ लिया, आई एम नॉट सेइंग ईसी बुरा है, लाइक द रीजन टू टेक ईसी वाज नॉट दैट ग्रेट, एंड देन बेसिकली हमने अब लिंक्डइन पे चले गए, लोगों ने रैंडम ज्ञान दे दिया कि यार डेटा साइंस में बहुत नौकरी है, लाइक प्रॉब्लम यही है ना कि इतने सारे लोग हैं ज्ञान देने के लिए जो कि इतना रैंडम ज्ञान दे देते हैं कभी कभी कि हम बहुत रैंडम डायरेक्शन चले जाते हैं। अगेन नथिंग रॉन्ग विद डेटा साइंस, डेटा साइंस में अमेजिंग जॉब्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हैं मतलब लाइक रखी हुई हैं, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है डेटा साइंस अच्छी जॉब लेने के लिए। एंड सेकेंडली अभी तो यार डेटा चेस किया ही नहीं अच्छे से, अभी तो फाउंडेशन प्रोग्रामिंग सीखी ही नहीं अच्छे से, अभी क्यों डेटा साइंस में घुसा दिया किसी ने हमें, और अभी घुस गए होंगे बहुत अच्छे से कर नहीं पाए होंगे एनीवे। चलो ठीक है ठीक है, सो फोर्थ सेमेस्टर हमने लगा दिया मशीन लर्निंग डेटा साइंस के अंदर। फिर सिक्स सेमेस्टर में ऑनलाइन जो है माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप के टेस्ट का लिंक आया कॉलेज की तरफ से, उस पर अप्लाई वगैरह करा, और जो मुझे मतलब मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने जीएफजी वगैरह पे देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा खुद सेल्फ प्रैक्टिस करी और ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर दी। तो ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हुई उसके बाद मुझे लगा एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई है, तो क्यों ना किसी एक अच्छे से कोर्स में एनरोल करें और मतलब सीख लेते हैं मतलब जो जो इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट है। तो इतना तो आइडिया लग गया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स ज़्यादा पूछते हैं, जब मैं ओए के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड किए थे तो इतना पता लग गया था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछते हैं, तो मुझे वही सीखना है। तो उसके लिए फिर मैंने मतलब वेबसाइट वगैरह देखी, तो फिर मैंने कोडिंग निंजास के कोर्स में एनरोल कर लिया। तो मैंने सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में तो नहीं एनरोल किया, लेकिन मुझे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ज़्यादा सुटेबल लगा, और तो फिर मैंने उसमें एनरोल कर लिया था जनवरी में सिक्स सेमेस्टर के स्टार्ट में। और मेरा माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहते हैं इंटर्नशिप इंटरव्यू अराउंड फेब में था, तो वन एंड हाफ मंथ थे प्रिपेयर करने के लिए। तो हाफ मंथ में तो पूरा नहीं हुआ हाँ नहीं मतलब कोर्स जो है वही 3 to 4 months का है, तो 1.5 months में पूरा तो नहीं हुआ था। तो वही तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड ओवे था वो हो गया था, सेकंड राउंड ग्रुप फ्लाई था वो भी निकल गया था। अच्छा उसमें पेन पेपर टेस्ट होता है, थर्ड राउंड हमारा क्या कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू था पीआई था। तो थर्ड राउंड में क्या कहते हैं कुछ ट्रीज के क्वेश्चन पूछे थे और उसके बाद एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा था, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन जो था उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला था, तो ऑप्टिमाइजेशन ना कर पाने के कारण पीआई से आउट हो गए थे। अच्छा तो माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के टाइम के लिए मतलब जो है कोर्स ज्वाइन किया था, तो वहां से मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी जनवरी से। तो तब मैंने जो है क्वेश्चन फिगर चलो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ तो एटलीस्ट डायरेक्शन तो सही पकड़ लिया हमने अब की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, डेटा के लिए स्ट्रांग करना है, सही है। फिर उसके बाद कैसा रहा? सो ये हमारा 6 सेमेस्टर था, सो अब आई एम होपिंग तुमने कोर्स उसके बाद पूरा किया। हाँ कोर्स कंप्लीट कर दिया था, कोर्स में मतलब लीडर बोर्ड पे भी अच्छा था, उसके बाद फिर टीचिंग असिस्टेंट भी रहा मैं कोडिंग इंजन पे उस कोर्स को करने के बाद। तो टीचिंग असिस्टेंट मतलब सिक्स सेमेस्टर में कोर्स किया, उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट रहा सेवन्थ और एट्थ में, जब क्या कहते हैं कॉलेज के साथ अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे टीचिंग असिस्टेंट भी था, और फिर कॉलेज से जो जितनी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आ रही थी
उनमें ट्राई कर रहे थे कि कुछ हो जाए, और वहाँ से फिर कॉलेज में, कॉलेज से एक कंपनी क्रैक हुई थी जो कि कोमविवा थी, एक टेक महिंद्रा का सब ब्रांड था, तो उसमें भी क्या कहते हैं वो कॉलेज के थ्रू ही हुई थी। तो उसमें कुछ राउंड्स थे, तो पहला उसका भी ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो एप्टीट्यूड प्लस डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड था, और सीएस फंडामेंटल्स भी थे तो फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड राउंड जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग थी तो वो भी कर दी थी, और थर्ड राउंड थोड़ा एचआर टाइप था, तो वो मैंने जो है अपॉर्चुनिटी एक ऑन कैंपस क्रैक कर दी थी। तो फिर सही मैं सही है। कॉलेज के बाद वहीं पे जॉब करी कुछ टाइम। तो सही थे, खुश थे हम थोड़े कि यार चलो ठीक है, डिसेंट है। आई हाँ थिंक इट्स नॉट लाइक अ सर्विस बेस्ड कंपनी, इट्स बेसिकली अ डिसेंट सॉर्ट ऑफ वर्क, एंड सैलरी भी ऐसा नहीं है कि वो 3-4 लाख वाले रेंज में होता है, राइट? हाँ लाइक 6-6.5-7 टाइप्स की रेंज में होगा मुझे लगता है। हाँ सो इतनी नॉट अ इतनी बैड सॉर्ट थी। ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ बैड सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, राइट? सो सही है। सो ओवरऑल खुश थे कि इस अपॉर्चुनिटी से, या हाँ ओवरऑल क्या फील थी? तो ऐसा था कि मतलब ठीक है, करंट जॉब डिसेंट है लेकिन मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है, मेरे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने देखा था कि पुल ऑफ हो जाता है इतने में। तो मैं मतलब बस कॉन्स्टेंट टच में रहा और अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहा था, तो अप्लाई मैं कर ही रहा था जब ज्वाइन कर ली थी करेंट कंपनी भी। तो उसके बाद क्या कहते हैं मैंने डेली टच में रहा क्वेश्चंस के साथ और अप्लाई करता रहा। कैसे और कैसे टच में रहे, कहाँ प्रैक्टिस करते थे, कैसे करते मैं उस टाइम पे लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहा था, थे? तो डेली 1 to 2 आवर्स डिवोट कर देता था, और फिर क्या वीकेंड पे कॉन्टेस्ट वगैरह भी दे देता था, तो वहाँ से मुराल हाई होता था क्योंकि मैं देख रहा था मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, मतलब जो दूसरे लोग भी हैं जो कि काफ़ी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, श्योर तो मुझे लगता था श्योर मैं करेक्ट तो कर सकता हूँ। तो फिर बस अपॉर्चुनिटी की वेट थी और उसी का इंतजार कर रहे थे। तो हमने कितना टाइम जॉब किया यहाँ पे? मैंने कोमविवा में 1 साल काम किया, एंड अगस्त उसके बाद में हमने ज्वाइन किया कहाँ कहाँ पे था। अप्लाई किया और कैसे अप्लाई किया? ऑफ कैंपस हमने कैसे कैसे तो अप्लाई किया, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया? ऑफ कैंपस मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, लिंक्डइन के थ्रू रेफरल्स मांगे लोगों से, मैंने जेपी मॉर्गन में अप्लाई किया, वहाँ शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, स्विगी में अप्लाई करा, मतलब कुछ एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ी, और भी क्या कहते हैं काफ़ी कंपनी से, फ्लिपकार्ट में अप्लाई किया था एंड फेसबुक के लिए भी रेफरल मांगा था। तो उस टाइम पे जैसे मांगा था उसने फेसबुक छोड़ दी थी, तो कह रहा था मैं फेसबुक का नहीं दे सकता, मैं कहीं और हूँ। ठीक है तो मांगा वॉलमार्ट के लिए भी था, तो लेकिन टेस्ट लिंक जो है सिर्फ अमेजोन का और माइक्रोसॉफ्ट का आया दोबारा, और उन्हीं के टेस्ट दिए, और बाकी का ऐसे था कि इन प्रोसेस है और कहीं से तो रिवर्ट आ जाता था कि आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। फिर हाँ बेसिकली तो कैसा, फिर फिर क्या प्रोसेस था बताओ दोनों का, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट का कैसा प्रोसेस था, क्या हुआ? तो हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट का ओवे दिया सेकेंड टाइम अगेन, और उसके बाद ओवे के बाद भी वो अभी वो इन प्रोसेस में ही है, तो ओवे मैंने फेब में दे दिया था इस साल के स्टार्ट में। उसके बाद बाप उनकी एक रे, मेल आई थी, हाँ इस मेल आई थी कि वी विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, वी आर इम्प्रेस विद ओ योर माय स्किल गॉड। सेट, लेकिन कुछ आगे बढ़ी नहीं, मैंने मेल भी ड्रॉप करे थे रिवर्ट कैसा के लिए, हुआ था तो कुछ टेस्ट, हुआ नहीं। टेस्ट कैसा हुआ था? ओवे ओवे अच्छा था, मीडियम लेवल क्वेश्चन से, तो वो अच्छे से कर दिया था। और सिमिलरली अमेजोन का टेस्ट भी शायद मैंने मार्च में ही दिया था, और उसके बाद अमेजोन प्रोसेस आगे बढ़ी, मतलब मैंने फिर जुलाई में इंटरव्यूज वगैरह हुए, जुलाई स्टार्ट में, मार्च के बाद तो जुलाई में अमेजोन हुए, यस हाँ जुलाई में हुए, और जून में मुझे बीच में मेल पूरा आई टाइम कि बस वेट कर रहे थे हम कि आएगा, हाँ रिपोर्ट आएगा। हाँ अरे यार कितना स्लो हाँ बीच प्रोसेस। में मैंने मतलब दूसरी कंपनीज का भी दिया, ठीक है तो उनमें क्लियर कर लिया था, तो दूसरी कंपनी से जैसे जसपे थी, जसपे का दिया था, जसपे टेक्नोलॉजीज, ये पेमेंट गेटवे श्योर है, और एक श्योर। नेटवेस्ट है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, इन दोनों का भी दिया था, ये दोनों भी क्रैक कर ली थी। तो इनके बाद अमेजोन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो अमेजोन की प्रोसेस में ऐसा था कि टोटल 4 राउंड थे, और उन 4 राउंड्स में पहला राउंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में था और वो ग्राफ बेस्ड था थोड़ा, तो 2 क्वेश्चंस ग्राफ के थे फर्स्ट राउंड में, एंड सेकेंड राउंड में सेकेंड राउंड भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेस्ड था, प्लस प्रोजेक्ट था, और क्या कहते हैं प्लस प्रोजेक्ट और फंडामेंटल्स पूछे थे, तो वो उसमें 1 क्वेश्चन था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, और हर राउंड में वो कुछ ना कुछ अपने लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चन से पूछ ही लेते हैं। एंड थर्ड राउंड जो था हायरिंग मैनेजर राउंड होता है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं डीएस पूछने के क्योंकि वो 2 राउंड में पूछ चुके हैं, तो थर्ड राउंड जो है तुमसे वो पूरा ही प्रोजेक्ट प्लस
सीएस फंडामेंटल्स प्लस ऊप्स पूछ लेंगे श्योर और लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे हायरिंग मैनेजर राउंड में। फोर्थ बार रेजर राउंड होता है वो मिक्स होता है डीएस प्लस अगेन प्रोजेक्ट सीएस फंडामेंटल्स एंड ऊप्स एटसेट्रा। सो फोर्थ राउंड में मेरे से उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था और वो भी ग्राफ बेस्ड था। तो ऐसे चार राउंड से अमेजोन के और ये लीडरशिप अमेजोन ये लीडरशिप वैल्यूज पे क्या क्वेश्चंस होते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं? तो ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं अमेजोन के। सो उनके जैसे एक हो गया कस्टमर ऑब्सेशन। सो वो पूछ सकते हैं कि तुमने मतलब कब जो है अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके किसी कस्टमर की मदद करी। तो अच्छा। वो उनके कस्टमर ऑब्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है उससे रिलेटेड। सिमिलरली और भी लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं तो वो उनसे उन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और वो तुमसे बोलेंगे कि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ। तो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है और वो उस बेसिस पे हमें जज करते हैं कि हम जो है उनके कल्चर के में फिट होते हैं नहीं होते हैं। ओके श्योर। तो लीडरशिप प्रिंसिपल्स के अराउंड क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। ठीक है ठीक है। सो सीम्स लाइक ये सब क्वेश्चंस आए बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस आए जो कि मोस्टली ग्राफ्स पे थे है ना एंड सही है। तो ये चारों इंटरव्यू एक ही दिन थे अलग अलग दिन थे कैसे थे? ये मेरे तीन इंटरव्यू एक दिन में थे। अच्छा। एंड उस तीन इंटरव्यू के एक हफ्ते बाद रिवर्ट आया था कि फर्स्ट थ्री राउंड्स क्लियर हो चुके हैं उसके बाद अब तुम्हारा फोर्थ राउंड शेड्यूल होगा। तो फोर्थ राउंड फिर तीन चार दिन बाद शेड्यूल कर दिया था उन्होंने जब वन वीक बाद कॉल आई थी क्लियरेंस के लिए। हाँ तो फिर फोर्थ राउंड हुआ था और फिर फोर्थ राउंड क्लियर मतलब दे देने के बाद उसके एक वीक बाद जो है कॉल आई थी कि तुमने क्लियर कर दिया है और तुम्हें जो है आगे क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब प्रोसेस क्लियर हो गई है। मतलब तुमने पहली बड़ी कंपनी जिसमें इंटरव्यू किया तुमने वही फोड़ दिया ना लाइक मतलब उससे पहले तो हमें चांस ही नहीं मिला कहीं ज़्यादा इंटरव्यू करने का। हाँ यस सर। तो मतलब टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फर्स्ट इंटरव्यू मेरा यही था मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए और उससे पहले तो इंटर्न के लिए दिया था तो वो तो क्रैक नहीं हुआ था लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ये मुझे दिया था और ये क्रैक हो गई। हाँ बहुत ही सही है। कब ज्वाइन किया आपने अमेज़न? अमेज़न मैंने ज्वाइन किया 30th of August माइक्रोसॉफ्ट का अभी भी नहीं आया? माइक्रोसॉफ्ट का अभी कुछ आगे नहीं है बड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो अमेज़न में एक दो साल का एक्सपीरियंस रहेगा तब तक आ जाएगा होपफुली और फिर देख लेंगे। सही है। सो कैसा एक्सपीरियंस है अभी कैसा लग रहा है मतलब मजा आ गया होगा एकदम जब आया होगा रिस्पांस राइट कि अमेज़न में जा रहे हैं फील तो बड़ी सही है। हाँ मतलब वो फीलिंग तो अच्छी थी मतलब काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उसके लिए और प्रैक्टिस भी कर रहे थे तो करना तो था ही और वो जब आया तो था कि मतलब कुछ अच्छा अचीव कर लिया है और अब ये है कि अचीव तो हो जाता है फिर मेंटेन भी करना होता है तो अपने को बस अब मेंटेन करना है और धीरे धीरे स्किल सेट को बढ़ाना है। तो ठीक है उतना स्ट्रगल नहीं है लेकिन कॉन्स्टेंटली मेहनत तो करती रहनी पड़ती है नहीं तो फिर लेवल गिर जाता है। नहीं वो तो है वो तो है। टेक के अंदर तो आई थिंक यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग टू मेक श्योर दैट यू स्टे ऑन टॉप ऑफ योर गेम राइट। सही है सही है। तो अभी हम क्या एज अ बैक एंड डेवलपर काम कर रहे हैं क्या होता है हमारा काम जनरली या फ्रंट एंड पे काम करते हैं कैसे काम करते हैं? अभी जो है मतलब जिस प्रोजेक्ट में है उसमें मेरा मतलब रोल जो है वो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है अभी बेसिकली हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह पे हैं। तो अच्छा। अभी जब रोल असाइन होगा तो मतलब SD1 से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जो है अपना इंडिविजुअल टास्क जो उसे असाइन होगा वो उसको कंप्लीट करे। तो उसको डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं होता उसको इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड टास्क मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है इसे इम्प्लीमेंट करना है और उसे सॉल्व करना है। और SD2 वगैरह से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो चीज़ों को डिज़ाइन करें HLD हो गया LLD हो गया वो सब उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है ठीक है। और हम जावा में करते हैं काम यहाँ पे अमेज़न में किसमें कर रहे हैं? अमेज़न में मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो जावा में होते हैं 80-90%। ठीक है ठीक है। सही है सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम रियली हैप्पी जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच गए है ना। ECE से स्टार्ट किया था या फिर जिस भी कॉलेज से स्टार्ट किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा फाइनली सही स्किल सेट अपने अचीव किया और हम सही जगह पहुँच गए बहुत ही सही है। सही है सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीवन। मुझे पता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आया होगा है ना सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग हुआ है। थैंक यू एंड थैंक यू बाय।